बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम क्लास फोर की बुक न्यू सिलेबस ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 5 एंगल्स स्टार्ट कर रहे हैं, पेज 107 के ऊपर। तो यहाँ पर बच्चों बस हम कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट बातें सीखेंगे और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको एंगल जब भी आपके पास दिया हुआ होगा तो आपको मेजर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज कि एंगल जब भी कोई भी दो लाइंस जो है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर आकर मीट करती हैं, यानी कोई सी भी दो लाइंस किसी एक पॉइंट पर आकर जुड़ जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, तो उसके बीच में जो चीज फॉर्म होती है उसको हम एंगल कहते हैं। ठीक है, अब ये एंगल हमारा जीरो से लेकर 360 डिग्री तक हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कहां से लेकर, इसकी रेंज क्या है, जीरो से लेकर 360 डिग्री तक। जीरो हमारे पास कोई एंगल नहीं होता, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, कहां से एंगल स्टार्ट होता है हमारा, वन से एंगल स्टार्ट होता है। तो आप ये समझ लीजिए दो लाइंस जो बिल्कुल एक साथ मिली हुई हैं, इनके बीच में जो एंगल होगा वो वन होगा। ठीक है, इसी तरह से जब हमारे पास दो लाइंस इस तरह से मीट होती हैं कि एक बिल्कुल वर्टिकल हो और एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो और वो एल की शेप में फॉर्म हो, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्रीज होता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि ये जो 90 डिग्री है ये इससे एंगल हमारा छोटा होता है, यानी अगर एल से हमारा एंगल छोटा हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो, मतलब कितना भी हो जो एल की शेप ना बन पा हो, बल्कि L से कुछ कर्व जा रहा हो, जैसे कि ये एंगल हमारे पास है, तो ये हमारे एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स। ठीक है, जो एंगल हमारा 90 डिग्री फॉर्म होता है इसको कहते हैं हम राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद जो एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये एल के बजाय एल से भी बड़ा हो गया ये एंगल हमारा। ठीक है, एल फॉर्म होता तो ऐसा होता ना, लेकिन ये एंगल तो एल से भी बड़ा हो गया, लेकिन स्ट्रेट लाइन से छोटा हो, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, उसके बाद बारी आती है बच्चों हमारे पास एक ऐसे एंगल की जो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, यानी दो लाइंस एक ऐसे पॉइंट पर आकर मीट होती हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो ऐसे पूरे एंगल को हम कहते हैं 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये 180 डिग्री का जो एंगल होता है ये 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल कहलाता है। और उसके बाद अगर एंगल स्ट्रेट लाइन से भी बड़ा हो जाए, यानी कि इससे भी बड़ा हो जाए ये एंगल हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल था उसके ऑपोजिट एंगल या जो एक्यूट एंगल था इसके जो बाहर वाला एंगल है ये भी 180 डिग्री से बड़ा है, इसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल के जो बाहर वाला एंगल है ये भी हमारे पास 180 डिग्री से बड़ा है, तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। ठीक है, ये बात तो हो गई हमारी कि एंगल्स की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। उसके बाद बच्चों बारी आती है एक पॉइंट के ऊपर जो हमारा एंगल बनता है, यानी आप ये समझ लीजिए कि एक एंगल जहां से शुरू हुआ वहीं पर आकर खत्म हो गया, तो इस पूरे एंगल को कहते हैं हम 360 डिग्रीज का एंगल होता है ये, इसको कहते हैं हम कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो इस तरह से हम एंगल्स को बनाते हैं। अब इसकी मेजरमेंट कैसे होती है कि ये एंगल एग्जैक्टली है कितनी डिग्रीज का, ठीक है, कि ये 90 डिग्री का है, 76 डिग्री का है, 42 डिग्री का है, 32 डिग्री का है, 180 डिग्री का है, 190 का है, 200 का है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, तो इसको मेजर करने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं प्रोट्रैक्टर। ठीक है, जिसको हम डी भी कहते हैं क्योंकि ये डी की शेप का होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये डी की शेप का होता है। अब आपको ये एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है स्टूडेंट्स, और बीच में एक सेंटर नजर आता है इसके। ठीक है, तो ये सेंटर इस बात की निशानी होती है कि यहां पर आपकी जो एंगल्स की दो लाइंस हैं उसमें से पहली लाइन आपकी इस वाली लाइन के ऊपर आएगी या सेंटर से लेके इस वाली लाइन के ऊपर आएगी। डिपेंड करता है कि आपका जो एंगल है वो इस साइड बना हुआ है या आपका जो एंगल है वो इस साइड बना हुआ है। ठीक है, साइड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस साइड बना हुआ है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एंगल की जो ये वाली साइड है वो इस तरह से कर्व हुई हुई है, तो आपने क्या करना है, इस लाइन के ऊपर अपने एंगल को रखना होता है। और अगर आपके एंगल कुछ इस तरह का बना हुआ है तो आपने इस वाले कर्व को यूज करना है और इस पर अपना एंगल रखना है। उसके बाद आपको
इनसाइड और आउटसाइड, यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर दो आपको लाइंस नजर आ रही हैं वैल्यूज की। एक में आपको यहां से जीरो स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है जो कि ग्रीन लाइन के ऊपर आके कंप्लीट होता है 180 डिग्रीज में, और दूसरा यहां से जीरो स्टार्ट हो रहा है जो कि दूसरी तरफ जाकर 180 डिग्रीज के अंदर कंप्लीट होता है। इससे एक बात और प्रूफ हो गई कि बच्चों जब भी स्ट्रेट लाइन होगी उसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्रीज का होगा, ठीक है। उसके बाद आप बीच में देखिए ये L बन रहा है, तो ये आपके पास पूरी स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं यहां पर आपको 90 डिग्री लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रेट एंगल हमारे पास इस तरह से बनती है दो लाइन से, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारा होता है 90 डिग्री, चाहे इस तरफ से हो और चाहे इस तरफ से हो। अब फर्क क्या है कि हम यहां से जीरो कब देखेंगे और यहां का जीरो कब देखेंगे, तो बच्चों वही बात है कि जब हमारा एंगल यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहां पर हमारी लाइन होगी ये वाला एंगल, जब हमारा यहां से स्टार्ट होगा और ये स्टार्ट होके एक्सटेंड होता चला जाएगा इस साइड में, तो फिर हम यहां वाला जीरो देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली लाइन बनी हुई होती है उसके जीरो को कंसिडर करना होता है, इससे हमारा जो एंगल है वो एक्यूरेटली मेजर हो जाता है, ठीक है। और अगर हमारा एंगल इस साइड से स्टार्ट हो रहा है तो हम जो ग्रीन लाइन के ऊपर यानी इंटीरियर ऑफ दिस प्रोटेक्टर जो हमारे पास एंगल जीरो स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हम यहां से इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर बता रहे हैं वी रीड द स्केल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट पर, टू मेजर एन एंगल यूजिंग द आउटर स्केल, ठीक है। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ये जो आउटर स्केल है इसको हम रीड करेंगे। वी रीड द स्केल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू मेजर एन एंगल यूजिंग द इनर स्केल, और जब हमारा एंगल इस तरफ से होगा तो जो इनर स्केल है हम उसको मेजर करेंगे। और ये जो एंगल्स होते हैं इसको जो हम मेजर करते हैं, तो हम इसको किस में मेजर करते हैं, इसको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ लेनी है कि आउटर स्केल को हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एंगल यहां से स्टार्ट होगा, और इनर स्केल को हम कब यूज करते हैं, जब एंगल हमारे पास राइट साइड से यूज होगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास ब्लू लाइन है इसको हम कहते हैं बेस लाइन, और बीच में जो आपको डॉट नजर आ रहा है ये सेंटर होता है बेस लाइन का। आपको एंगल का सेंटर इस प्रोटेक्टर के जो सेंटर है इसके ऊपर रखना लाजमी होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देखिए आपके पास एक एंगल दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर। अब ये जो पी क्यू आर है बच्चों इसका मतलब क्या है, जो आपका एंगल बना होगा वो स्टार्ट होगा पी से, उसका सेंटर होगा क्यू, और उसके जो एंड होगा वो आर के ऊपर होगा। एंगल हमेशा तीन लेटर्स के साथ डिनोट किया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जहां से स्टार्ट हो रहा होता है एंगल वहां से स्टार्ट होता है, जो उसका सेंटर होता है वही आपका एंगल का भी सेंटर होगा, और जो लास्ट लेटर होता है तो एंगल वहां पर एंड हो रहा होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चाहे आपका एंगल किसी भी शेप का हो उसके अंदर आपके पास ये तीन लेटर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हमसे कह रहे हैं हमारे पास एक एंगल है पी क्यू आर, ठीक है, ये एंगल हमारे पास है और हमें प्रोटेक्टर को यूज करते हुए इसको मेजर करना है। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि ये हमारा एंगल स्टार्ट हो रहा है इस साइड से, किस साइड से, राइट साइड से। तो हम कौन से वाले स्केल को यहां पर कंसिडर करेंगे, हम इनर स्केल को यहां पर कंसिडर करेंगे। तो इनर स्केल में हमारे पास जीरो यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहां से स्टार्ट करते हुए देखेंगे कि हमारी जो दूसरी लाइन है वो कौन से एंगल तक जा रही है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है, एग्जैक्टली 90 के ऊपर आकर ये रुक रही है। इसका मतलब है हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, 90 डिग्रीज का है। तो बस आपने दो चीजों का ध्यान रखना है कि एंगल की जो आपके पास बेस लाइन है, प्रोटेक्टर की बेस लाइन को भी आपने उसी पर रखना है, सेंटर को सेंटर से मिलाना है, और उसके बाद आपने देखना है कि आपका एंगल राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है तो इनर स्केल से मेजर करेंगे, अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा तो आउटर स्केल से मेजर कर लेंगे। एंगल्स को मेजर करने का जो दूसरा तरीका है स्टूडेंट्स, यानी कि एंगल्स को डिनोट करने का, वो है कि आप स्मॉल लेटर से डायरेक्टली जो आपके पास कर्व है उसको डिनोट कर दीजिए। आप जो है वो कैपिटल लेटर्स को यूज करने की जरूरत नहीं, जब भी कैपिटल लेटर्स यूज करोगे तो आपके पास यहां पर जो क्या नाम है तीन लेटर्स लाजमी होने चाहिए, लेकिन जब स्मॉल लेटर की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ जो इनसाइड ऑफ द एंगल है वो आपने यहां पर लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल मेरे पास एंगल बी है, ठीक है, मुझे इसको मेजर करना है, ये पर्पल लाइंस के साथ मेरे पास डिनोट हो रहा है, तो मैं देखूंगी मेरे पास बेस लाइन कहां पर है, मैंने बेस लाइन को प्रोटेक्टर की बेस लाइन के ऊपर रखा,
ठीक है। और उसके बाद मैंने देखा कि भाई जीरो कहां पर है, इनसाइड ऑफ द स्केल है, तो इनर स्केल से मैंने स्टार्ट किया मेजर करना और देखा दूसरी लाइन कहां पर एंड हो रही है, तो देखा 40 डिग्रीज के ऊपर एंड हो रही है, तो ये एंगल मेरा कितना हो गया 40 डिग्रीज का हो गया। और जब भी एंगल हमारा 90 डिग्री से छोटा होगा, चाहे वो 89 हो चाहे वो एंगल 1 डिग्रीज हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 90 डिग्री से छोटा एंगल हमेशा हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद इसी तरह से देखिए यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक एंगल है जो ग्रीन लाइंस के साथ बना हुआ है, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है किस साइड से, लेफ्ट साइड से, तो हमने इसको रखा, इसके जो बेस लाइन है उसको प्रोटेक्टर की बेस लाइन के ऊपर रखा, सेंटर को सेंटर से मिलाया, और उसके बाद जो हमारे पास आउटर स्केल है उसके ऊपर जीरो है हमारे पास, तो उससे हम मेजर करेंगे और देखेंगे दूसरी लाइन कहां पर है, तो ये हमें पता चला कि ये 130 के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है ये जो एंगल है हमारे पास डी ई एफ ये हमारे पास है 130 डिग्रीज का। अब आप देख सकते हैं कि 90 डिग्रीज से बड़ा है 130, तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है हमारे पास ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के हमने लेसन के अंदर एंगल्स के नाम भी सीख लिए, इसके पहचान भी सीख ली, और प्रोटेक्टर से इसको किस तरह से बनाया जाता है इसको भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, तो वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।